नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ युक्तम रिगवानी। इस समय हम मौजूद हैं गोरखपुर के नौसड़ बस स्टैंड पे और मैं आपको बता दूं कि दिवाली से ठीक पहले शहर वालों को एक नई सौगात देने की उम्मीद है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं केसरिया रंग की बसें खड़ी हैं जो इलेक्ट्रिक बसें हैं और कुछ दिनों में इसको सड़क पर उतार दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं बीते दिन ही 7 बसें गोरखपुर आई हैं, शाम 4 बजे तक कुछ और बसें आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद 6 अक्टूबर को 75 बसों को उत्तर प्रदेश 75 इलेक्ट्रिक बसों को उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उतारने के लिए रवाना किया था और हरी झंडी दिखाई थी। इन बसों का चार्जिंग पॉइंट जो है वो महेश्वरा के पास है, जहां इन्हें चार्ज किया जाएगा और पूरे दिन इनको सड़कों पर उतारा जाएगा। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बस फुल्ली एयर कंडीशन्ड है, जिनका रूट अभी निर्धारित किया जाना है, आरटीओ से इनका रजिस्ट्रेशन करना है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कुछ दिनों में रजिस्ट्रेशन होने के बाद इन बसों को सड़कों पर उतार दिया जाएगा। इनमें कुछ अन्य फीचर्स भी हैं, कह लीजिए बुजुर्गों के लिए या दिव्यांगों के लिए कुछ अन्य फीचर्स हैं जो उनकी यात्रा को कंफर्टेबल बना सकेंगे। इसके अंदर कैमरा भी है, इसको रेगुलेट किया जाएगा लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है, जहां से इसकी सारी गतिविधियों को नोट किया जाएगा, बसों की गतिविधियों को नोट किया जाएगा और इसके अंदर की जितनी भी चीजें हैं, जहां बस जा रही है जीपीएस भी लगा हुआ है इन बसों में, और जहां भी बस जा रही है वहां देखा जाएगा कि क्या हो रहा है, जिससे आपराधिक गतिविधियों को भी वहां से रेगुलेट किया जाएगा। हेडक्वार्टर पे देखा जाएगा कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें हो रही हैं बसों में, और इसके बाद कुछ खासियत है, आइए हम इस बस के अंदर जाके जानेंगे। अब हम इन बसों के अंदर जाके देखेंगे कि क्या कुछ खास फीचर्स हैं, इलेक्ट्रिक बसें और नॉर्मल बसों में क्या कुछ अंतर है, इस बसों के अंदर जाके देखेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया अभी कि बुजुर्गों के लिए कुछ अच्छे फीचर्स हैं जिससे उनकी यात्रा को जो है कंफर्टेबल बनाया जा सकेगा, तो इसीलिए हम इन बसों के अंदर जाके देखेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ खास फीचर्स हैं इन बस में। अब हम आ चुके हैं बस के अंदर और हमारे साथ इन बस को लाने वाले, इस बस के मतलब इन बसों को लेके आने वाले के ड्राइवर बैठे हुए हैं। क्या नाम है भैया? आशीष। कहाँ से ले आए हैं बस? बस धारवाड़ा से आई है। अच्छा, तो हरियाणा से। तो क्या कुछ खास है इस बस में? बस का खास ये है कि गरीबों के लिए आई है बस, ये फिलहाल में योगी जी ने मंगाई है जी। ये गोरखपुर वालों के लिए एक तोहफा है योगी जी की तरफ से। 25 अभी 11 बस आ चुकी हैं, मतलब 11 बसें आ गई हैं, बाकी की बची बसें आने वाली हैं। 25 बसें जो है गोरखपुर जिले के लिए निर्धारित की गई हैं। हाँ भैया, और क्या खास क्या है इस बस में? खास इसमें कैमरे लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अब फर्स्ट में है और बैक में है, जैसे सारी कोई भी अगर मान लीजिए आपराधिक गतिविधियां होती हैं तो उससे सब कुछ में कुछ नहीं होगा इसमें। मान लीजिए अगर होती है तो अपना सीसीटीवी कैमरे से सारा क्लियर आ जाएगा मैडम। और ये बस पूरी फुल्ली एयर कंडीशन्ड है, पूरी एसी फुल एयर कंडीशन बस है ये? तो ये बस पूरी फुल्ली एयर कंडीशन्ड है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगी कि थोड़ा वो बस को डीपली दिखाएं। और रही बात कि अगर बात की जाए बस के शुल्क की, तो मैं आपको बता दूं कि 3 किलोमीटर का मेरे ख्याल से 5 रुपए निर्धारित किया गया है अभी फिलहाल। और इन बसों का महेश्वरा के पास इन बस का चार्जिंग पॉइंट है, चार्जिंग पॉइंट का काम खत्म होते ही इन बसों को सड़क से उतार दिया जाएगा, चार्जिंग पॉइंट से बसों को रवाना किया जाएगा, जहां से गोरखनाथ होते हुए बरगदवा से गोरखनाथ होते हुए रेलवे स्टेशन से यूनिवर्सिटी के बाद फिर ये नौसर बस स्टैंड पे आएंगी, जहां से फिर इनको आगे की फिर उसी रूट पे निकाला जाएगा। इनके 3 रूट्स हैं और रूट्स अभी बताए भी जाएंगे, अभी निर्धारित नहीं किए गए हैं। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं कि 45 मिनट लगेगा एक बस को चार्ज करने के लिए, जिसके बाद वो 120 किलोमीटर की दूरी तय कर सकेगी। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए गोरखपुर।